हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको मेरे कैंपस का टूर करवाऊंगी। मैं एक फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ और मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सूर्यापेट, जो कि तेलंगाना में है, वहाँ से MBBS की पढ़ाई कर रही हूँ। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे कॉलेजेस में क्लासरूम्स, लैब्स, डाइसेक्शन हॉल्स, म्यूजियम्स और जो भी सारी चीज़ें हैं उसका आपको टूर करवाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी लाइब्रेरी है। ये कॉलेज 2019 में इस्टेब्लिश हुआ और अभी 4 दिन पहले ही इसका इनॉग्रेशन हुआ है नए बिल्डिंग का। तो अभी सारा सामान सेंट्रल लाइब्रेरी में शिफ्ट नहीं हुआ है। फॉर टाइम बिंग दिस वॉज आर लाइब्रेरी और दिस इज आर लाइब्रेरी फॉर द टाइम बिंग। ये हमारी क्लासरूम्स है। 150 मेंबर्स इस क्लास में बैठते हैं विद प्रोजेक्टर एंड द बोर्ड इट्स देयर। डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी की बात करें तो इसमें हिस्टोलॉजी लैब है। हिस्टोलॉजी लैब में हम टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं। इसमें क्या होती है, स्लाइड्स होती हैं, जैसे टिश्यूज़ की स्लाइड्स, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, आर्टरी, एपिथेलियल टिश्यू के जो भी स्लाइड्स हैं उनको लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर हम उसको लगा के उस टिश्यू की सारी जो भी हिस्टोलॉजी स्लाइड है उसको देखते हैं। नंबर 2, डाइसेक्शन हॉल। डाइसेक्शन हॉल में हम एनाटॉमी को समझते हैं और पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ द कैडेवर्स। तो हमारे कॉलेज में 3 कैडेवर्स हैं। अभी 50 मेंबर्स पर कैडेवर अभी हैं, लेकिन इन फ्यूचर डेज आई थिंक 6 कैडेवर्स के लिए अप्लाई कर रखा है। तो इस साल से शायद 6 कैडेवर्स स्टार्ट हो जाएं डाइसेक्शन हॉल में। ये एनाटॉमी का म्यूजियम है। इसके अंदर डिफरेंट, मतलब जो भी पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के उनका ये म्यूजियम, जो भी मॉडल्स वगैरह हैं वो यहाँ रख रखे हैं। जैसे ये फेशियल मसल्स, ये लंग, पोस्टियर सरफेस वगैरह, एक्सटर्नल सरफेस दिखा रखा है लंग का। दिस इज द डिसेंडिंग थोरेसिक आयोटा, इंटरनल कैप्सूल ऑफ द ब्रेन, दिस इज ब्रेन। कमिंग टू द हीमेटोलॉजी लैब ऑफ फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट, इसमें हम अपना ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड टेस्टिंग वगैरह करते हैं। फर्स्ट जो आपका प्रैक्टिकल होता है फर्स्ट ईयर में वो यही होता है, हाउ टू डू ब्लड ग्रुपिंग, तो वो हीमेटोलॉजी लैब में होता है। ये स्टाफ रूम्स हैं, इसमें डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं। हर डिपार्टमेंट में ऐसे स्टाफ रूम हैं, तो अकॉर्डिंग टू द असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर कंपार्टमेंट है। दीज आर द डेमो रूम्स जहाँ पर हमारी क्लास होती है। नाउ कमिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में पैथोलॉजी लैब है, इसके अंदर हेमेटोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी, उसके अलावा हिस्टोपैथोलॉजी, उसके अलावा म्यूजियम है। ये डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी में ये सभी है, जिसमें हिस्टोपैथोलॉजी में वही टिश्यू, म्यूजियम में आपके वो जो भी फाइब्रॉइड, यूट्रस, पैथोलॉजिकल जो भी बीमारी है वो सभी यहाँ रखा हुआ है। कमिंग टू द माइक्रोबायोलॉजी लैब, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट है, लाइक ट्यूबरक्लोसिस, वायरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, सीरोलॉजी और जो भी सारे कंपार्टमेंट अलग अलग हैं, बैक्टीरियोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी। ये माइक्रोबायोलॉजी रूम का म्यूजियम तो नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ सभी मॉडल्स वगैरह, ये वायरसेस, कौन सा वायरस, उसका स्ट्रक्चर, मॉडल्स हैं, जिससे हमें पढ़ाते हैं तो अच्छे से समझ आता है, याद भी रहता है, क्योंकि आप मॉडल्स को ज़्यादा टाइम के लिए याद रख सकते हो। दीज आर द लाइफ साइकिल्स ऑफ डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विद देयर इन्फेक्शंस एंड ऑल।
डेमो रूम, हर डिपार्टमेंट में दो डेमो रूम्स हैं ताकि वो बच्चों को 75-75 में डिवाइड कर सके, और उनकी यहाँ प्रैक्टिकल होने के बाद जो भी डाउट्स हैं या जो भी मैम को एक्सप्लेन करना है डेमो रूम में आके मैम उनको एक्सप्लेन करेंगी। दिस वॉज डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। दिस इज़ लाइक एन ओपन एरिया जो बैडमिंटन कोर्ट, इन फ्यूचर आई थिंक बैडमिंटन कोर्ट बनेगा, बहुत ही अच्छी तरीके से स्पेस है वहाँ एक कोर्ट बनने का। और ये कॉलेज की एंट्रेंस फर्स्ट फ्लोर की है। नाउ कमिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन रूम। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में कौन कौन से, प्रिंसिपल मैम का ऑफिस है, प्रिंसिपल चैम्बर, उसके अलावा यहाँ पर मीटिंग वगैरह होती है मैम की विद प्रोफेसर्स एंड असिस्टेंट प्रोफेसर्स। देर इज़ अ काउंसिल हॉल, देर इज़ अ अकेडमिक ब्लॉक, अकेडमिक सेक्शन जहाँ पे आपकी फीस वगैरह सबमिट होती है। एंड देन द फाइनली कम्स द प्रिंसिपल चैम्बर। ये मैम का ऑफिस है, हमारी प्रिंसिपल है डॉक्टर सी वी शारदा मैम। सो इनॉग्रेशन वॉज डन बाय चीफ मिनिस्टर सर, KCR सर। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अभी ये कुछ सिनेमैटिक सीन्स एंड शॉट्स हैं। ये इनॉग्रेशन हुआ तो अच्छे से डेकोर किया गया था पूरे कॉलेज को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल।